गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में क्या स्टडी किए थे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वह था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? वन जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है या वन न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। और एक हमने वर्क होमवर्क दिया था आपको कि वन किलोमीटर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस से आप उसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, बताया था? ठीक है, किए होंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वह यह है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। तो इसके पहले हमने आपको एक वर्ड बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। ठीक है, क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ऐड होती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन और यूनिट सेम होता है, तभी वे ऐड होते हैं। ठीक है, ऐसा था, यही था। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक हमारा फर्स्ट ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसका एक रिजल्टेंट मिलता है और वह रिजल्टेंट हमने सपोज किया जेड है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनका एडिशन या फिर सबट्रैक्शन तभी होता है जब इसके यूनिट दोनों के सेम है ना। ठीक है, अब उसके बाद जो इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट मिलता है, ये मिलता है, तो इसका भी यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। ऐसा होमोजेनिटी में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मीनिंग है कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक फार्मूला है, उसका एक इक्वेशन है, और वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये है हमारा दूसरा एप्लीकेशन आज का टॉपिक। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक्स और वाई का जो यूनिट होगा वह किसके इक्वल होगा? जेड के यूनिट के इक्वल होगा। इनका डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है, ऐसा हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एसडी किया था। तो मीनिंग क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो इक्वेशन होगा उसमें जितने भी टर्म होंगे, आगे और भी टर्म हो सकता है, प्लस माइनस, मान लो पी, ठीक है, प्लस माइनस क्यू, ये तो इन सभी के जो यूनिट एंड डायमेंशन है सेम होंगे, और उसके बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका भी यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अगर यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं होंगे उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फिजिकल क्वांटिटी है x एंड x नॉट आर पोजीशन आर डिस्प्लेसमेंट, ये है। अब उसके बाद वी नॉट हमारा है वेलोसिटी, टी है टाइम, ए है एक्सीलरेशन और ये है टी है टाइम, और हाफ कांस्टेंट। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं तो हम कैसे पता करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक है, लेफ्ट साइड का यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, राइट साइड के जितने भी टर्म होंगे उन सभी के, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही करना है, ईजी है ना, हम इसको देखते हैं। तो यहां पर ये हुआ, पहले हम लेते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? ठीक है, तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड? यस, ये क्या है? पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ, तो इसका डायमेंशन हुआ डायमेंशन ऑफ एक्स, ये हुआ लेंथ। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस तरह से एक्स नॉट का क्या होगा?
राइट साइड में, ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको देखते हैं। हर एक टर्म के यूनिट और डायमेंशन सेम होने चाहिए। एक्स नॉट, तो एक्स नॉट क्या है, एक पोजीशन एक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी डायमेंशन आंसर है लेंथ होगा, एल होगा, ठीक है। वी नॉट, अब इस तरह से डायमेंशन ऑफ वी नॉट टी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वी, वी मीन्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन याद है एल टी माइनस वन, ये हुआ एल टी माइनस वन इंटू टी यानी टाइम, तो टाइम का टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, टी से टी कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको एल। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन एल। जो थर्ड हमारा टर्म है राइट साइड का वह है हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, आंसर है कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। और डायमेंशन लेस का मतलब है कि उसके प्लेस पर हम जीरो नहीं लिखेंगे, है ना, उसके प्लेस पर हम वन लिखेंगे, वन, ठीक है। तो इसका हुआ डायमेंशन वन मल्टीप्लाई, ठीक है, वन से कोई मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ वन डायमेंशन इसका। एक्सीलरेशन, ये है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू इंटू, अब ये है टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, ये हुआ टाइम का स्क्वायर, है ना, तो ये कैंसिल हुआ तो डायमेंशन क्या मिला आपको एल, क्लियर, ठीक है। अब बताइए लेफ्ट साइड का डायमेंशन एल और राइट साइड के जितने भी टर्म हैं सबके डायमेंशन एल 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 सेम डायमेंशन, ठीक है। तो हम एल प्लस एल प्लस एल क्या होगा, थ्री एफ, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो फिजिकल क्वांटिटी है सबके यूनिट सेम है तो उसको हम ऐड कर लेंगे और जो यूनिट मिलेगा डायमेंशन मिलेगा एक ही मिलेगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशनल होते हैं होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है एड तभी होंगे जब फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट के होंगे और उनका डायमेंशन सेम होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसा है डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वही राइट साइड का है, ठीक है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वह इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशन, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पर हम आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये सेकंड एग्जांपल है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है, वेयर एम इज ए मास, एच इज ए हाइट, जी इज ए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं और राइट साइड का कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं इक्वल है तो करेक्ट है और इक्वल नहीं है नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है हाफ एम वी स्क्वायर, अब इसके डायमेंशन पर आते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हाफ यानी कांस्टेंट वन डायमेंशन, एम मास, मास का डायमेंशन एम, ठीक है, वी, वी यहां पे वेलोसिटी है, ओके, वी इज ए वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी इसके पहले था एल टी माइनस वन, ठीक है, तो उसका स्क्वायर, तो एल टी माइनस वन
और इसका होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, ये हुआ एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट साइड का लेते हैं डायमेंशन, राइट साइड का तो क्या क्वांटिटी है एम जी एच, तो एम है मास और जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है इसका डायमेंशन भी वही होगा जो हम लीनियर एक्सीलरेशन का पढ़े हुए हैं, है ना। तो एक्सीलरेशन का एक डायमेंशन एल टी माइनस टू, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ एल टी माइनस टू इंटू एच, एच का यानी हाइट, तो हाइट यानी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज राइट हैंड साइड का डायमेंशन एम जी एच का, ठीक है। अब कंपेयर करिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा है सेकेंड। अब हम थर्ड एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है ये थर्ड एग्जांपल, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये विच इज द फॉलोइंग फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो एनर्जी का है एसआई यूनिट है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला है, ठीक है। हम इसको डायमेंशनली भी चेक करते हैं और फिजिकली भी हम चेक करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको गिवन है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, ठीक है, ये हुआ जूल। इसका जो हमारा डायमेंशन होगा क्या होगा, यह है केजी यानी मास, ठीक है, तो केजी है मास, उसका डायमेंशन एम, ठीक है। यह है मीटर, मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और यह है सेकेंड पावर माइनस टू यानी टी पावर माइनस टू, यह है डायमेंशन किसका एनर्जी का, और इसी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यह है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब हमको ए बी सी डी ई ये पांच फार्मूले आपको गिवन है, इस पांचों को हम चेक करेंगे डायमेंशनली कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है ए, क्या है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, और इसका जो डायमेंशन है वह है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। तो ये लेफ्ट साइड का हमको डायमेंशन ये गिवेन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आपको गिवेन है, यही है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हम ए के राइट साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये क्या है एम स्क्वायर वी क्यूब, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ राइट कर लेते हैं कि क्या है, तो यहाँ पर ये जो है ना एम, ये है आपका मास, वी है आपका वेलोसिटी, ठीक है, और ए है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, और ठीक है, ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो राइट हैंड साइड एम, एम है मास, तो मास का होगा एम और इसका स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, और वी इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, ठीक है, ये हुआ एल टी माइनस वन। अब यहाँ पे इसका क्यूब है तो एल टी माइनस वन का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा क्यूब, है ना, ये हुआ राइट साइड का डायमेंशन। अब बताइए
लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू जो आपको गिवेन है, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया राइट साइड का डायमेंशन एम स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस थ्री क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड है, नो तो ये हमारा हुआ डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, ये है डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, ये हुआ। ओके, तो हम सेकेंड पर आते हैं यानी बी पर। ये है बी। बी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये आपको गिवन है, पता है, इसको हम नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम राइट साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ राइट हैंड साइड का डायमेंशन, क्या होगा यहाँ पर देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन वन यानी डायमेंशन लेस होता है, बट उसके प्लेस पर हम लिखेंगे क्या, वन। तो ये हुआ वन, एम मास, ये हुआ मास, ठीक है, वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हुआ आपका डायमेंशन ऑफ राइट साइड, ठीक है, बी का। तो अब लेफ्ट साइड का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट साइड का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समझ रहे ना, ये हुआ हमारा डायमेंशनली करेक्ट। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला भी जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो हमने देखा ये जो बी है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है और प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो इसको हम लिखते हैं डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, और फिजिकली भी आपका प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, अब सी पर आते हैं। ठीक है, सी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू ए। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना, ये गिवन है। राइट साइड के डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड के डायमेंशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास, मास का डायमेंशन एम इंटू ए, लीनियर एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। ठीक है, ये हुआ एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू राइट साइड का डायमेंशन, और लेफ्ट साइड का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, नो no. ठीक है, ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये आपका करेक्ट था और ये इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ठीक है, अब डी पर आते हैं। डी, तो डी क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन पता है ये। ठीक है, राइट साइड को देखते हैं, तो राइट साइड का डायमेंशन 3/16, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, तो उसके प्लेस पर हम वन रखेंगे, ये हुआ वन। एम मास, एम वेलोसिटी, एल टी माइनस वन उसका होल स्क्वायर, एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हुआ राइट हैंड साइड का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेफ्ट साइड का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है, बट हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, प्रैक्टिकली और फिजिकली। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। ठीक है, और लेकिन हमने यहाँ पर देखा डी में ये कैसा है, प्रैक्टिकली आपका रॉन्ग है, ठीक है, बट डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका डायमेंशनली आपका कैसा है, करेक्ट है, बट प्रैक्टिकली कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, ई हुआ, ओके, इसी तरीके से ई को देख लेते हैं। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमने हाफ एम वी स्क्वायर
तो हाफ एम वी स्क्वायर का हम डायमेंशन जानते हैं, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये बी में देखिए यहाँ पे है ना, बी का है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब उसके बाद ये है यम इंटू ए यानी मास इंटू एसेलेरेशन, तो क्या होगा एम एल टी माइनस टू। तो हमने देखा कि इस फार्मूले में है ना ये दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, डिफरेंट क्वांटिटी, तो क्या ये ऐड हो सकते हैं। इसका डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, हाफ एम वी स्क्वायर का ये है, ठीक है। और ये हुआ आपका मास इंटू एसेलेरेशन, तो मास इंटू एसेलेरेशन सी है, ये है मास इंटू एसेलेरेशन, तो इन दोनों को देखिए है ना क्या सेम है, आंसर है नो डिफरेंट है, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं होंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमको पहले से ही दिख रहा है ये कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और उसके बाद प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि ये प्रैक्टिकली भी क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या इक्वेशन का हम डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है उसका हमने क्या किया, उसको चेक किया, ठीक है। ये है आपका थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल इसके, ये फोर्थ एग्जाम्पल। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फार्मूला आपको गिवन है, इक्वेशन गिवन है क्या, P इज इक्वल टू ए बाई एफ, प्रेशर इज इक्वल टू एरिया अपॉन फोर्स। तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। वेयर P इज ए प्रेशर, A इज ए एरिया एंड F इज ए फोर्स, ठीक है, ये है। अब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, इक्वल है करेक्ट है, नॉट इक्वल इनकरेक्ट, ठीक, यही हमको करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन प्रेशर, तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपको याद है पता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मिल गया। राइट हैंड साइड पर आते हैं तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या है आपका, ए अपॉन एफ, इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ ए यानी एरिया, लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये हुआ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है आपको एम पावर प्लस वन न्यूमिरेटर में होगा एफ के पावर माइनस वन, एल पावर प्लस वन न्यूमिरेटर में होगा तो माइनस वन, टू माइनस वन वन, तो एल पावर वन, टी माइनस टू न्यूमिरेटर में होगा तो ये होगा आपका टी माइनस टू था, टी पावर टू हो गया। तो क्या मिला आपको डायमेंशन, एम माइनस वन एल वन टी टू, तो लेफ्ट हैंड साइड का एम एल माइनस वन टी माइनस टू एम माइनस वन, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, है ना। तो ये कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट कब होता, तो बट हम फार्मूला जानते हैं ना, ये सर प्रेशर का फार्मूला तो एफ अपान ए होता है, ठीक है, एक्चुअल में एफ अपान ए ही होता है। तो ये हुआ आपका प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ अपान ए। अब यहाँ पर डायमेंशनली चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आएगा राइट हैंड साइड का, ये होगा डायमेंशनली करेक्ट। और ये कैसा है, इनकरेक्ट है, पहले से हमको दिख रहा है, ठीक है, ये है डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। तो इसी तरीके से जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे उनका फार्मूला होगा, ठीक है, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड या जो भी फार्मूले में टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होगा, तभी हुए एड और सबट्रैक्ट हो सकेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब हम
थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं कि ये जो फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, हम इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये है सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हमारा है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल के अकॉर्डिंग हम फार्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट करते हैं। ठीक है, ये ओके। तो थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाई, किसी भी फार्मूला को हम डिराइव करते हैं विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल। ठीक है, तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, यानी जिसको हमको कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब एम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, तो फार्मूला को डिराइव करने के लिए, ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है ना, वह कौन से फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है, ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है डेरिवेशन, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन। तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है, विच इज डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, तो ये डिपेंड है मास ऑफ बॉब पर, डिपेंड है प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल पर भी डिपेंड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड है, और हमको डायमेंशनली डिराइव करना है तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो मास है, एल है, एक्सीलरेशन है, इनके डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो हमने ये सपोज किया जो मास है इसका डायमेंशन है ए, लेंथ है उसका डायमेंशन बी, और जो एक्सीलरेशन है इसका डायमेंशन है सी, है ना। ये है डायमेंशन ऑफ मास ऑफ बॉब ए, लेंथ ऑफ पेंडुलम बी डायमेंशन, और जी जो है उसका डायमेंशन है सी। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड पेंडुलम का इन सब फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हुआ और उनके डायमेंशन ए बी और सी हुए। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट सपोज किया, और ये हो गया एम के पावर ए, मास का डायमेंशन ए, लेंथ का डायमेंशन बी, और स्मॉल जी का डायमेंशन सी। ठीक है, हमने सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ा कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, है ना। तो हम इसको सपोज करते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होगा ये, तो ये हुआ टी। तो टी है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टी। अब एम का डायमेंशन होगा आंसर नो, तो एम का डायमेंशन जीरो होगा। ठीक है, अब उसके बाद एल का कुछ डायमेंशन होगा आंसर नो, वो भी जीरो हमने सपोज किया, और ये है टी। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी, एम और एल का डायमेंशन नहीं होगा तो हमने उसको जीरो सपोज किया। ठीक है, एम का डायमेंशन जीरो, एल का डायमेंशन जीरो, ओके। ये हुआ के, अब ये है मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है एम, ये हुआ एम। ठीक है, अब ये है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल, ये हुआ बी। ठीक है, जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, तो आंसर है एल टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन हुआ एक्सीलरेशन का, और इस स्मॉल जी का जो डायमेंशन है वह है सी, स्मॉल जी का। ठीक है,
तो यहाँ से m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, ठीक है, k इंटू m का डायमेंशन a, तो ये हुआ m का डायमेंशन a। अब l का डायमेंशन b, अब यहाँ से क्या मिलेगा, l पावर c इंटू t के पावर माइनस 2c, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ k इंटू m के पावर a, l के पावर b इंटू l के पावर c, तो l के पावर क्या होगा, b प्लस c इंटू t के पावर माइनस 2c, तो ये हुआ m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1, है ना। अब हम यहाँ यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम सभी के डायमेंशन को कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। तो m के पावर a, m के पावर 0, तो m का डायमेंशन है a, m का डायमेंशन है 0, तो a इक्वल टू 0 मिला, ठीक है, ओके। अब इस तरह से l के पावर b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू l के पावर 0, तो l इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस सी है, ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस सी, ये हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से t का डायमेंशन माइनस टू सी और यहाँ पे t का डायमेंशन 1, ये हुआ c इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब c इक्वल टू माइनस 1/2 और सॉरी यहाँ पर है b, ये b इज इक्वल टू, तो b इक्वल टू माइनस और c का वैल्यू माइनस 1/2, माइनस 1/2, अब b इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/2, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू हाफ और c का वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। अब ये सब वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दो, ठीक है, तो रखते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k m, m है तो m के पावर a, a इक्वल टू क्या है 0, तो m के पावर 0, l है l के पावर b, ये हुआ l के पावर b, b मीन्स हाफ, ठीक है, ये है हाफ इंटू, ये है g, g, g के पावर c, c मीन्स माइनस हाफ, ये हुआ माइनस हाफ, ठीक है। तो t इज इक्वल टू k, m के पावर 0, 1, ये हुआ 1, l के पावर हाफ, अब ये g के पावर माइनस हाफ है, इसको न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो g के पावर क्या हो जाएगा, हाफ, प्लस न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो t इज इक्वल टू k और ये क्या मिलेगा, l बाई g के पावर हाफ, होल का पावर, इसके पावर 1/2, इसके पावर 1/2। अब हम जानते हैं पावर 1/2 का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट, तो l बाई जी, और k क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमने सपोज किया 2π हमारा कांस्टेंट है, और ये फार्मूला हमारा डिराइव हुआ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π इन स्क्वायर रूट l बाई जी, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, तो यहाँ पर एक हमको क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि सर ये जो कांस्टेंट है 2π, 4π, 3π कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको डायमेंशनली प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ पे कांस्टेंट 2π ही आएगा, 2π लाने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है, बट हम डायमेंशनली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम k इक्वल टू 2π लिया, क्योंकि हमको फार्मूला पता है, बट डायमेंशनली कैसा होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल, अब डेरिवेशन करते हैं सेकेंड फार्मूला को, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ये है सेकेंड डेरिवेशन, हमको डिराइव करना है, ठीक है, किसका,
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन एस ऑफ ए लिक्विड राइजिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब एज्यूम दैट यस डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन मास ऑफ लिक्विड एम प्रेशर ऑफ लिक्विड पी एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी आर। ठीक है, वो जो ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लेना है के इज इक्वल टू हाफ लेना है, तो आपको फार्मूला डिराइव करना है सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन एस डिपेंड, ठीक है, किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, तो ये हुआ मास, और फिर किस पर डिपेंड है, प्रेशर पी पर डिपेंड है, और किस पर डिपेंड है, कैपिलरी ट्यूब जो है उसके रेडियस पर, ये आर है ना। तो हमको डायमेंशनली प्रूव करना है, तो मास का डायमेंशन हमने सपोज किया ए, पी का डायमेंशन बी, और रेडियस आर का डायमेंशन सी। ठीक, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव होगा, इक्वल आएगा विद कांस्टेंट, ये आपका एम के पावर ए, पी के पावर बी, आर के पावर सी है ना। अब डायमेंशनली हमको चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन को थोड़ा हम क्लियर करते हैं। जो सरफेस टेंशन होता है यह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ये हुआ फोर्स एम एल टी माइनस टू और डिवाइड बाई लेंथ है एल, तो एम एल का डायमेंशन जीरो और टी माइनस टू, ये हुआ सरफेस टेंशन का डायमेंशन। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन एम एल जीरो टी माइनस टू इक्वल टू के, ये है मास, तो मास का डायमेंशन एम एम के पावर ए, ठीक है, ये है पी प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन, हमने इसके पहले प्रेशर का डायमेंशन कैलकुलेट किया था, वह था आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये है प्रेशर पी का डायमेंशन, और पी का डायमेंशन है क्या, बी, और ये है रेडियस, तो रेडियस यानी लेंथ, ये हुआ एल के पावर सी यानी रेडियस का डायमेंशन। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एम के पावर ए इंटू एम के पावर बी, तो क्या होगा, एम के पावर ए प्लस बी, अब फिर एल एल के पावर माइनस बी, ये होगा बी का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ, तो एल के पावर माइनस बी और इंटू एल के पावर सी यानी प्लस सी, ये हुआ ओके। अब टी पर आते हैं, तो टी का डायमेंशन टी के पावर माइनस टू और उसके पावर बी, तो टी के पावर माइनस टू बी, ये हुआ टी के पावर माइनस टू बी, ये हुआ इसका डायमेंशन, तो एम एल जीरो टी माइनस टू। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं और कंपेयर कर लेते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, एम के पावर ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इक्वल टू एम के पावर वन, ये हुआ वन। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस बी है, ट्रांसफर कर दीजिए माइनस बी, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से एल के पावर माइनस बी और प्लस सी है ना, एल के पावर जीरो, ये हुआ जीरो, तो बी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो बी इक्वल टू क्या होगा सी, तो बी इक्वल टू सी। ठीक है, हमको ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अब टी के पावर माइनस टू बी, तो माइनस टू बी को कंपेयर करिए किसके साथ, माइनस टू के साथ, ये हुआ माइनस टू, तो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन देन सी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू सी है ना, तो बी इक्वल टू वन सी इक्वल टू वन, और यहाँ पर रखिए ए इज इक्वल टू वन माइनस
b का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 0, a का वैल्यू 0, b और c का वैल्यू 1, ठीक है। ये अब यही वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। ठीक है तो यहां पर रखिए, तो यस इज इक्वल टू के इंटू एम, एम के पावर ये मास है, सॉरी ये मास है, एम के पावर ए, ए मीन्स व्हाट 0, तो एम के पावर 0 इंटू प्रेशर, पी के पावर क्या है बी, बी मीन्स व्हाट 1, ये हुआ 1, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हुआ रेडियस, रेडियस के पावर सी यानी 1, तो यस इज इक्वल टू के एम के पावर 0 1, ठीक है। तो p के पावर 1 इंटू आर के पावर 1, और यस इज इक्वल टू k इक्वल टू आपको गिवेन है हाफ p इंटू आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन इन टर्म ऑफ p एंड r, ठीक है ओके। तो ये है, और वह मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड रीजन, ठीक है। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, क्या है वंडर वाल इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वेयर पी इज ए प्रेशर, ए इज ए कॉन्स्टेंट, वी इज ए वैल्यूम, बी इज ए कॉन्स्टेंट, आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटी है, और हमको डायमेंशन कैलकुलेट करना है ए एंड बी का, ठीक है। तो हमने क्या हम पढ़े हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जानते हैं पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, तो मीनिंग है ये दोनों क्वांटिटी का एडिशन हुआ है ना, तो एडिशन हुआ है तो इसका मतलब है इसका यूनिट एंड डायमेंशन और इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशन सेम होंगे, तभी एड हुआ है। सिमिलरली वी माइनस बी, ये सब्ट्रैक्ट हुआ है तो पक्का है ये भी क्या है कहीं कहीं सेम यूनिट और डायमेंशन के हैं, ठीक है। यही हमको करना है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन इक्वल होगा इसके डायमेंशन के, तो ये हुआ p का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन, तो हमको a का डायमेंशन चाहिए तो v को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो p का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन और इक्वल टू किसके हो गया डायमेंशन ऑफ a, हो गया। p है प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2, ये अभी अभी किया, ठीक है। अब ये है वैल्यूम, तो वैल्यूम का डायमेंशन, तो वैल्यूम भी इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो l इंटू l इंटू l, तो क्या होगा l क्यूब डायमेंशन ऑफ भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ भी का डायमेंशन l क्यूब और उसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, और ये हुआ डायमेंशन a का, तो m l माइनस 1 t माइनस 2, l क्यूब का होल स्क्वायर, तो l क्यूब का होल स्क्वायर, तो l पावर क्या होगा 6, ये हुआ डायमेंशन ऑफ a, तो l पावर 6, l पावर माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, तो m l पावर 5 t माइनस 2 इज अ डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट a, ये इसका डायमेंशन होगा, इजी है, ठीक है। अब सेकेंड हमको b का कैलकुलेट करना है, तो बताइए क्या होगा b का डायमेंशन इक्वल टू b का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, b फॉर वैल्यू, तो वैल्यू का डायमेंशन l क्यूब, ये हुआ b का डायमेंशन इक्वल टू l क्यूब, ठीक है, ये इसका डायमेंशन है, बस हो गया, समझ रहे ना, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन, p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी टी, तो x क्या है डिस्टेंस, ठीक है, t क्या है टाइम, p क्या है प्रेशर,
ए और बी क्या है कांस्टेंट, तो हमको डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं ए और बी के और साथ ही साथ ए बाई बी के। तो ए और बी का हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से और उसको डिवाइड कर लेंगे तो ए बाई बी का मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड के न्यूमेरेटर को। तो ए माइनस एक्स स्क्वायर है यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी ए और फिजिकल क्वांटिटी एक्स का डिफरेंस है। तो 100% यहाँ पे जो ए का डायमेंशन होगा वही एक्स का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का डायमेंशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो ए का डायमेंशन एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एल स्क्वायर, ये हुआ ए का डायमेंशन। समझ में आया ना, अब हमको बी का कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो यानी ए का भी डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, बी का भी डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। तो इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर ही मिलेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, सबट्रैक्ट होगा। जैसे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा जीरो, तो ऐसा नहीं है, ये डायमेंशन ही है, ये फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है। तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर ही होगा। तो इसका मीनिंग है इसका जो डायमेंशन है वह है एल स्क्वायर। ठीक है, तो पी का डायमेंशन इक्वल होगा, इसका डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर और ये हुआ आपका बी इंटू टी, यही है ना। ठीक है, अब हमको बी का वैल्यू चाहिए, बी को यहाँ पर लाओ तो बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन पी को यहाँ पे लाओ पी इंटू टी, तो बी का डायमेंशन मिल जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन है ना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू और ये है टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू मिलेगा आपको एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल माइनस वन टी माइनस टू और टी प्लस वन, तो टी के पावर क्या होगा माइनस वन, ये होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एम प्लस है डिनोमिनेटर में, न्यूमेटर में करेंगे तो एम के पावर माइनस वन, एल माइनस वन न्यूमेटर में होगा प्लस हो जाएगा तो एल के पावर थ्री और ये होगा टी के पावर माइनस वन, न्यूमेटर में टी के पावर वन। दिस इज डायमेंशन ऑफ बी। तो ए का भी मिल गया बी का भी मिल गया, अब आपको करना है ए बाई बी दोनों को भाग कर लेना है ना। तो ये हुआ आपका ए और बी का डायमेंशन ए बाई टू का भी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन हमने पढ़े, बहुत ईजी बहुत ही आसान थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।